नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सादुलपुर पानी संकट को लेकर वार्ड नंबर 26 के निवासियों ने मंगलवार को दोपहर 11 बजे जल से विभाग में विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद पवन सैनी के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने मांग के समर्थन में सहायक अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। मोहल्ले वासियों ने जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा बताया कि गत एक से भी अधिक समय से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे हालातों में लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मोहल्ले वासियों ने समय रहते कार्रवाई न होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की भी चेतावनी दी। वहीं पार्षद ने कहा कि पीने के पानी की जैसी बेबुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्षद पवन सैनी ने भाजपा की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए आंदोलन कदम उठाने की चेतावनी दी। सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि समस्या का आज ही निराकरण करेंगे। उन्होंने मौके पर ही कर्मचारियों को आदेश देकर पेयजल लाइन की जांच के निर्देश दिए।